आधार पर गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन एसओजी ने 32 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के परिजनों को नोटिस भेजे हैं और पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय बुलाया गया है। एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर की खरीद फरोख को लेकर के पूछताछ होगी। नकल माफिया गैंग से खरीदा था 15 से 20 लाख रुपए में पेपर। आपको बता दें कि पिछले दिनों ट्रेनी एसआई चंचल बिश्नोई के पिता को गिरफ्तार किया था, तो ये बड़ी जानकारी। एसओजी के रडार पर अब गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन भी आ रहे हैं, उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। नकल माफिया गैंग से 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों ट्रेनी एसआई चंचल के पिता को अरेस्ट किया था, तो यह बड़ी जानकारी। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब परिजनों से भी पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, अब परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में अब तक करीब 32 सब इंस्पेक्टर्स जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें ट्रेनी भी शामिल है। और अब एसओजी इन्हीं के परिजनों को नोटिस भेजने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है। एसओजी ने कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो एसओजी की गिरफ्त में है, रिमांड में है, उनके परिजनों को एसओजी ने नोटिस भिजवाए हैं और पूछताछ के लिए एसओजी मुख्यालय जयपुर में बुलाया है। उसकी वजह यह है कि एसओजी की पड़ताल में ये साफ हो चुका था कि एसआई भर्ती का जो पेपर था वो करीब 15 से 20 लाख रुपए में नकल माफिया गैंग से खरीदा गया था। ऐसे में जो ये अभ्यर्थी हैं उनके परिजनों की ओर से ये रकम जो है नकल माफिया को उपलब्ध करवाई गई थी। ऐसे में एसओजी का मानना है कि ये सभी जो परिजन है वे भी जिन्होंने ये रकम उपलब्ध कराने की व्यवस्था की पेपर खरीदने के लिए उन्हीं की वे भी इस पूरे रैकेट में शामिल है, आरोपी है। और इसीलिए अब एसओजी सभी ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स के परिजनों को नोटिस भिजवा रही है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और यदि ये साफ हो गया कि उन जिसकी ओर से भी रकम की व्यवस्था पेपर खरीदने के लिए करवाई गई थी उसे एसओजी आने वाले वक्त में गिरफ्तार करेगी। और उसका उदाहरण चंचल बिश्नोई जो कि ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स है, उसके पिता श्रवण जो कि स्टेशन है उसको गिरफ्तार किया था एसओजी ने, चूंकि ये साफ हुआ था कि करीब 15 से 20 लाख रुपए में श्रवण राम ने अपनी बेटी चंचल बिश्नोई के लिए पेपर खरीदा था। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी एसओजी की ओर से। जी बिल्कुल विष्णु, और इस पूरे मामले में एक से बढ़कर के एक खुलासे भी हो रहे हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है इसमें कई बड़ी अपडेट भी निकल करके सामने आ रही है। परिजनों से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी, उनको भी बुलाया गया है, कितने बजे इनसे पूछताछ शुरू हो जाएगी? देखिए चूंकि जो परिजन है वो ज्यादातर बाड़मेर, जालौर और उसके अलावा शेखावाटी कई जगहों के अलग अलग जिलों के हैं राजस्थान के, ऐसे में नोटिस भेजने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नोटिस उनको मिलेगा, नोटिस मिलने के बाद वो आते हैं या नहीं आते हैं। चूंकि अब तक मैं ये देख रहा था कि एसओजी मुख्यालय के बाहर अक्सर वो परिजन नजर आए या कोर्ट में नजर आए जिनके बेटे या बेटी ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर गिरफ्तार हुए थे, लेकिन हो सकता है नोटिसों के बाद ये अब यहाँ पे आसपास नजर नहीं आएंगे। हो सकता है वे विधिक उपचार भी रहे, विधिक राय भी लें, लेकिन यदि कोई नोटिस के लिए आता है, नोटिस के बाद यहाँ पर आता है तो हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी एसओजी कर ले। जी ठीक है विष्णु, आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नकल माफिया गैंग से आपको बता दें कि 15 से 20 लाख रुपए में पेपर खरीदा गया था और पिछले दिनों ट्रेनी एसआई चंचल के पिता को अरेस्ट किया था, उससे भी पूछताछ की जाएगी। एसओजी के रडार पर गिरफ्तार ट्रेनी एसआई के परिजन है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में अब खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। एसओजी ने 32 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के परिजनों को नोटिस भेजा है, अब देखना होगा कि परिजन पहुंचते हैं या नहीं, और पूछताछ के लिए उनको एसओजी मुख्यालय बुलाया गया है। और चूरू में पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में चूरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। दिल्ली से सुबह 10:35